GPT-3, Delhi, Bing Chat, Google Bard. इस वक्त AI chatbots ने इंटरनेट वर्ल्ड में गदर मचाया हुआ पूरा। ChatGPT की capabilities का तो आपको पता ही, आपको अंदाजा है, आपको almost हर काम कर देता है, वो भी मिनटों में, एक दो मिनट में सारे काम हो जाते हैं। Google अपना AI chatbot Bard लेकर आ गया है। Similarly, Microsoft ने जो Bing Search के साथ किया है ना, जो Bing Search को refine किया है, that's mind blowing। देखकर ना दिमाग चकरा जाता है कि पिछले 4-5 महीने में इंटरनेट कितना बदल गया है, और अब ये AI chatbots की दुनिया और ज़्यादा बदलने वाली है। बिकॉज अब OpenAI अपना GPT-4 लेके आ रहा है, एंड इसकी हेल्प से आप वीडियोज भी बना पाओगे। मतलब हो सकता है कि कल को मेरी जगह कोई AI chatbot आपसे बात कर रहा हो, जैसे ChatGPT में आप अभी कमांड देते हैं टेक्स्ट में और AI chatbot आपको टेक्स्ट में रिप्लाई करता है, बट अब chatbot को आप कमांड तो टेक्स्ट में दोगे लेकिन ये आपको वीडियो क्रिएट करके देगा, वीडियो बना के देगा। और आज मैं आपसे इसी पर बात कर रहा हूँ। GPT-4 कब लॉन्च हो रहा है ये जान रहे, ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे आप इसके थ्रू AI वीडियोस बना सकते हैं, ये भी जानते हैं। सो टेक्स्ट से वीडियोस क्रिएट करने वाले ऐप्स तो काफी पहले से आ रहे हैं, आप जानते हैं, बट ये इतने इफेक्टिव नहीं रहे अभी तक। फेसबुक यानी कि मेटा ने भी अपना जो मेक अ वीडियो AI प्रोजेक्ट है वो शुरू किया था। सिमिलरली टेक्स्ट से इमेज क्रिएट करने वाले सॉफ्टवेयर भी काफ़ी पहले से आपको आ रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट OpenAI के जो डेली है ना, वो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये AI बेस्ड टेक्स्ट टू इमेज क्रिएटर है, इसको आप कोई भी आइडिया दोगे तो उस पर ही आपको ओरिजिनल इमेज बना के देगा। सपोज मैं इसको अगर बोलता हूँ कि भाई मुझे मुगल एरा की बात जाननी है, वहाँ पे जो ओल्ड दिल्ली की मार्केट कैसी होती थी ये मुझे देखना है, ये मुझे आप बताओ, तो ये इमेज मुझे बना के दे देगा, एंड दिस इज़ वेरी पॉपुलर। बट अब OpenAI अपना लैंग्वेज मॉडल GPT-4 लेके आ रहा है, जिसके थ्रू आप AI को कमांड दोगे और वो वीडियोज़ आपको बना के देगा। मतलब एक अलग ही लेवल होने वाला है। इस पर रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट जर्मनी की जो CTO है एंड्रियास बारोन, उनका कहना है कि GPT-4 लैंग्वेज मॉडल नेक्स्ट वीक इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब इतना जल्दी, इतना क्लोज है सब कुछ, एंड ये मल्टी मॉडल पर बेस्ड होगा टू ऑफर कम्प्लीटली डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, जैसे कि वीडियोज़, मतलब ये वीडियोज़ ही बनाएगा। अब आप जो ChatGPT यूज़ करते हो अभी, वो इस वक्त ना GPT-3 और GPT-3.5 लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड है। इन दोनों लैंग्वेज मॉडल्स को माइक्रोसॉफ्ट ने Bing Chat में इनकॉर्पोरेट किया, जिसकी वजह से Bing Chat का ना एक अलग ही लेवल हो गया, उसका सर्च एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। अब GPT-4 जो है वो GPT-3 और GPT-3.5 से 100 टाइम्स मोर पावरफुल होगा एट अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर कोड, और इसीलिए ये जो टेक्स्ट जनरेट करेगा वो जैसे हम और आप आम लैंग्वेज में बात करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से टेक्स्ट होगा। मतलब मच बेटर देन ChatGPT, उससे भी बहुत बेहतर होगा, एंड ये वीडियोज और टेक्स्ट दोनों जनरेट करेगा। सिमिलरली GPT-4 मॉडल आपको फास्टर रिस्पॉन्सेज भी देगा। अभी आप जब ChatGPT को कमांड देते हो तो वो इंस्टेंट रिप्लाई करता है, हमें तो इंस्टेंटली लगता है, बट GPT-4 जो है वो GPT-4 मॉडल पर बेस्ड AI जो होगा वो आपको इससे भी तेज रिस्पॉन्स देगा। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब आगे और क्या सरप्राइजेस AI आपके और हमारे लिए लेकर आएगा, इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे OpenAI के बारे में बता दूं मैं आपको, OpenAI US में सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एक फर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम करती है, एंड इसके फाउंडर्स में से ना एलन मस्क भी था, बट बाद में उसने बोर्ड से रिजाइन कर दिया था, बट ही इज स्टिल अ डोनर। OpenAI ने GPT-3 लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया था, इसमें इन्होंने लाखों करोड़ों टेक्स्ट सैंपल्स इकट्ठा किए थे दुनिया भर से, हर जगह से लोग एक दूसरे को कैसे रिप्लाई करते हैं, आपस में कैसे बातें करते हैं, बेसिक कॉन्वर्जेशन जो होती है वो लोगों की वो कैसे होती है, इंटरेक्टिव कॉन्वर्जेशन कैसे होती है, रिसर्च की लैंग्वेज क्या होती है, मतलब हर तरीके के टेक्स्ट सैंपल्स जो थे वो इकट्ठा किए थे, एंड उसके बेस पर एल्गोरिथम यूज़ करके ये लैंग्वेज मॉडल बनाया था GPT-3। इन सब टेक्स्ट सैंपल्स को इकट्ठा करने का मकसद यही था कि एक ओरिजिनल ह्यूमन कॉन्वर्जेशन कैसे होती है वो आ सके, वो जनरेट की जा सके। मतलब आपने AI को बता दिया कि भाई ये सारे सैंपल्स आप ले लो, अब इनके बेसिस पे आपको रिप्लाई करना है लोगों को, ताकि ऐसा लगे कि ये एक ह्यूमंस ही रिप्लाई कर रहा है, ह्यूमन रिप्लाई कर रहा है, इंसान रिप्लाई कर रहा है, कोई बॉट वहाँ पे नहीं बैठा हुआ, एंड इस GPT-3 मॉडल पर ही बेस्ड है आपका ChatGPT। OpenAI में माइक्रोसॉफ्ट का भी इन्वेस्टमेंट है, 2019 में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था, एंड अब जो 2023 में इन्होंने दोबारा इन्वेस्टमेंट किया और उसको $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और किया। सो माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग में जो है ChatGPT को इंटीग्रेट किया, जैसे मैंने आपको बताया Bing Chat बना दिया, इन्होंने टीम्स में भी इसको इंटीग्रेट किया, एंड अब अगले हफ्ते GPT-4 भी आ रहा है, एंड आई होप कि मतलब लॉन्च के विद इन मंथ जो है वो ये अवेलेबल हो जाएगा, और जब अवेलेबल होगा तो इस पर मैं और डिटेल बात करूँगा।